अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों जरूरी है? दोस्तों, आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक ऐसी ग्रेविटी होती है जिसका निर्माण स्पेस में यात्रियों को स्वस्थ रखने के लिए किया गया। आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी मानव ग्रेविटी की तरह मनुष्यों के शरीर पर फोर्स लगाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी स्पेस यात्रियों के लिए जरूरी क्यों है। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल डायलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है। दोस्तों, स्पेस में बिना ग्रेविटी के लंबे समय तक रहने से हमें काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बिना ग्रेविटी के मानव शरीर की मसल डेंसिटी और बोन डेंसिटी कम हो जाती है और इसके अलावा हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। चलिए अब आपको एक एग्जांपल के जरिए बताते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा कि जब भी हम पानी से भरी बाल्टी को रस्सी से बांध कर घुमाते हैं तो पानी बाल्टी से बाहर क्यों नहीं गिरता है? हम आपको बता दें कि पानी बाल्टी से इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि बाल्टी पर सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगा होता है जो कि बाल्टी से पानी को गिरने को रोकता है। बात करें सेंट्रीफ्यूजल फोर्स की, तो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स किसी भी घूमते हुए ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक बल होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ ढकेलता है। अब बात करते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों जरूरी होती है। दोस्तों, जब स्पेस यात्री स्पेस में जाते हैं तो जीरो ग्रेविटी होने की वजह से ना तो स्पेस यात्री सही से खा पाते हैं और ना ही सही से सो पाते हैं। इसके साथ ही यात्रियों को काफी थकान का भी अनुभव होता है जिसकी वजह से आधे से ज्यादा समय यात्रियों को एक्सरसाइज करने में ही चला जाता है। स्पेस में जीरो ग्रेविटी होने की वजह से स्पेस यात्रियों के मसल और बोन डेंसिटी कम हो जाते हैं। दोस्तों, मसल डेंसिटी कम होने से उतना दिक्कत नहीं होता है जितना दिक्कत बोन डेंसिटी के कम होने पर होता है। जीरो ग्रेविटी होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान समय का होता है क्योंकि कम ग्रेविटी में यात्रियों को थोड़ी थोड़ी देर में व्यायाम करना पड़ता है और इन्हीं सबसे बचने के लिए स्पेस में आर्टिफिशियल ग्रेविटी जरूरी होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी क्यों नहीं होती है। दोस्तों, आपको अगर पता ना हो तो हम आपको बता दें कि दो ऑब्जेक्ट के मध्य की दूरी जितना कम होता है उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल उतना ही कम हो जाता है। यही वजह है कि जब हम पृथ्वी से दूर होकर स्पेस में जाते हैं तो हमारे शरीर पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कम हो जाता है और जब हम पृथ्वी से एकदम दूर स्पेस में चले जाते हैं तो पृथ्वी से स्पेस की दूरी अधिक होने के कारण स्पेस यात्रियों को ग्रेविटी का एहसास ही नहीं होता है और फिर स्पेस यात्रियों को जीरो ग्रेविटी का अनुभव होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।